नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेनों को लेकर। आने वाले दो दिनों में अगर आप ट्रेन से यात्रा करने पर विचार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि पूर्व रेलवे के मालदा टाउन मंडल में रतनपुर और जमालपुर स्टेशन के मध्य दोहरीकरण कार्य के मद्देनजर रतनपुर एवं जमालपुर स्टेशन पर नन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इस कारण से इस रेलखंड पर चलने वाली पूर्व मध्य रेलवे की कई ट्रेनों में बदलाव किया गया है। तो वहीं 10 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें अलग अलग तिथियों के लिए रद्द कर दी गई है, जबकि 5 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है। इसके साथ साथ कई ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं रद्द की गई ट्रेनों के बारे में। तो सबसे पहले आनंद विहार टर्मिनल से 24/1/2022 को प्रस्थान करने वाली 22456 आनंद विहार टर्मिनल भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस का परिचालन जो है वो बंद यानी कि रद्द कर दिया गया है। भागलपुर से 25/1/2022 को खुलने वाली 22405 भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस का परिचालन जो है वो रद्द कर दिया गया है। भागलपुर से 23/1/2022 से 27/1/2022 तक चलने वाली 13/4/19 भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर से 23/1/2022 से 27/1/2022 तक चलने वाली 13/4/20 मुजफ्फरपुर भागलपुर जनसेवा एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। दानापुर से 24/1/2022 से 28/1/2022 तक प्रस्थान करने वाली 13/2/36 दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। साहिबगंज से 24/1/2022 से 28/1/2022 तक चलने वाली 13/2/35 साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी को भी रद्द कर दिया गया है। जयनगर से 23/1/2022 से 27/1/2022 तक प्रस्थान करने वाली 15/5/54 जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। भागलपुर से 4/1/2022 से 28/1/2022 तक चलने वाली 15/5/53 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। राजनगर टर्मिनल से 24/1/2022 से 26/1/2022 तक प्रस्थान करने वाली 13/2/42 राजेंद्र नगर टर्मिनल बांका एक्सप्रेस का भी परिचालन रद्द कर दिया गया है। वहीं बांका से 25/1/2022 से 27/1/2022 तक चलने वाली 13/2/41 बांका राजेंद्र नगर टर्मिनल एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं पैसेंजर ट्रेनों की। तो 03487 अप और 03488 जमालपुर क्यूल जमालपुर पैसेंजर स्पेशल का परिचालन 24/1/2022 से 28/1/2022 तक के लिए रद्द कर दिया गया है। दूसरी पैसेंजर ट्रेन 03451 जमालपुर तिलरथ जमालपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, इसका भी परिचालन 24 से 28 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। 05509 05510 जमालपुर सहरसा जमालपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 24 से 28 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। 03433 03434 जमालपुर क्यूल जमालपुर स्पेशल ट्रेन को भी 22 से 28 तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं 03474 03473 जमालपुर खगड़िया जमालपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन को 22/1/2022 से 28/1/2022 तक के लिए रद्द कर दिया गया है। कई ट्रेनें हैं जिसका कि खुलने और उसके प्रस्थान के समय में भी बदलाव किया गया है। तो उसमें 22/1/2022 से 28/1/2022 तक के लिए 13/0409 13/4/10 मालदा टाउन क्यूल एक्सप्रेस के आंशिक समापन और प्रारंभ का स्थान जो है भागलपुर किया गया है। वहीं 22/1/2022 से 28/1/2022 तक के लिए 03431 04432 साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का आंशिक समापन और प्रारंभ भी जो है वह भागलपुर किया गया है। इन ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। तो उसमें 23/24/26 जनवरी को भागलपुर से खुलने वाली 12/3/67 भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल विक्रमशिला एक्सप्रेस का जो रूट है वो बदलकर बांका जसीडीह क्यूल के रास्ते किया गया है। वहीं 23/1/2022 से 28/1/2022 तक के लिए हावड़ा से प्रस्थान करने वाली 13/0/23 हावड़ा गया एक्सप्रेस हावड़ा अपने निर्धारित समय से जो शाम के 7:50 के बदले जो है रात के 11 बजे खुलने का जो है इसमें समय बताया गया है। और इसका जो मार्ग है वो जंक्शन आसनसोल झाझा क्यूल के रास्ते ये जाएगी। वहीं 26/1/2022 को भागलपुर से प्रस्थान करने वाली 12/2/54 भागलपुर यशवंतपुर अंग एक्सप्रेस का भी रूट जो है बदला गया है और ये साहिबगंज बड़हरा रामपुर हाट बर्धमान के रास्ते ये जाएगी। 25/1/2022 को भागलपुर से प्रस्थान करने वाली 12/3/35 भागलपुर लोकमान तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस का परिवर्तन रूट यह जो है बांका जसीडीह क्यूल के रास्ते जाएगी। 23/1/2022 से 25/1/2022 को लोकमान तिलक टर्मिनल से प्रस्थान करने वाली 12/336 लोकमान तिलक टर्मिनल भागलपुर एक्सप्रेस परिवर्तन मार्ग में ये जो है बांका जसीडीह क्यूल के रास्ते जाएगी।
27/1/2022 को भागलपुर से प्रस्थान करने वाली 13/4/23 भागलपुर अजमेर परिवर्तित मार्ग में इसका जो रूट है वो बांका जसीडीह क्यूल के रास्ते जाएगी। 23/1/2022 से 28/1/2022 तक के लिए गया से प्रस्थान करने वाली 13/0/24 गया हावड़ा एक्सप्रेस गया से अपने निर्धारित समय पर 12:20 के बदले अब ये शाम को 4:20 पर खुलने का इसका जो समय निर्धारित किया गया है और इसका जो रूट है वो झाझा आसनसोल के रास्ते ये जाएगी। 24/1/2022 को भागलपुर से प्रस्थान करने वाले 09452 भागलपुर गांधीधाम स्पेशल ट्रेन इसका भी रूट बदल गया है और इसका जो रूट है वो बांका जसीडीह और झाझा के रास्ते जो है ये ट्रेन अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी। तो इतने मेल और एक्सप्रेस के साथ साथ पैसेंजर ट्रेनों के भी रूटों में बदलाव किया गया है। अगर आप इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले हैं तो आप अपना ट्रेन एक बार जरूर चेक कर लें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।